अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को कंप्लीट करने के बाद हम आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 के एक एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, आज हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे, उसके एक फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं What is meant by rotational kinetic energy? Dear students, the energy possessed by a body due to its rotational motion is called rotational kinetic energy। कि किसी भी ऑब्जेक्ट की रोटेशनल मोशन की वजह से जो एनर्जी है, इट इज इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। नाउ स्टूडेंट्स, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, जिसे आज हम डिराइव करेंगे? स्टूडेंट्स, इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, बट रोटेशनल इट इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, I is the moment of inertia and omega is the angular velocity। Now students, इस formula को derive करने के लिए हम एक diagram बनाएंगे। Now students, let consider a rigid body in the form of a sphere। और students, ये sphere जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए एंड ए प्राइम के साथ। और स्टूडेंट्स, ये स्फीयर जिस एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करेगा, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा के साथ। तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, दिस स्फीयर इज मूविंग, इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, for example, this is the center of this rigid body which is represented by O। Now students, इस rigid body को हम small tiny particles में, tiny pieces में divide करेंगे और consider करते हैं एक tiny particle को जिसका mass है mi। और उसका center से distance है आर आई। तो स्टूडेंट्स, इसका सर्कुलर पाथ, जिस पाथ के अलोंग ये रोटेट करेगा, अब हम उसको भी ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, दिस इज द सर्कुलर पाथ ऑफ रोटेशन ऑफ दिस मैस एम आई। नाउ स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन में एक पैराग्राफ में हम इस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हम ये भी बताएंगे कि इस पूरे स्फीयर का मास है m। पूरे मास m की डायरेक्ट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने की बजाय, हम पूरे मास को स्मॉल टाइनी पीसेस में डिवाइड करेंगे, देन हर इंडिविजुअल टाइनी पीस की हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, और टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए हम इंडिविजुअल वैल्यूज को एड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे, एज वी नो द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वेयर। लेकिन स्टूडेंट्स, फॉर रोटेशनल मोशन हमें मालूम है वी किसके इक्वल होता है, आर ओमेगा के इक्वल। तो हम यहां पर वी की वैल्यू पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे
1 by 2 m r omega whole square, 1 by 2 m r square omega square. Now students, for general formula, हम ये rotational kinetic energy सबसे पहले इस mass की निकाल रहे हैं, which is represented by m i, और उसका center से distance है r i. तो students, हम लिखेंगे the rotational kinetic energy of the ith part is equal to m i r i square omega square as it is रहेगा. क्यों students? अगर हम इस स्फेयर को n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं तो उन तमाम पार्टिकल्स की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी. तो स्टूडेंट्स, जनरल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के बाद अगर हम फर्स्ट मास की बात करें फॉर m1, तो ये फॉर्मूला किस तरह से चेंज होगा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पीस विल बी इक्वल टू 1 बाय 2 m1 r1 square omega square. For m2, it will be equal to 1 by 2 m2 r2 square omega square. Similarly students, for mn, means last component, the rotational kinetic energy will be equal to 1 by 2 mn rn square omega square. Now students, individually rotational kinetic energies की values को calculate करने के बाद अगर हम इस object की total rotational kinetic energy की बात करें तो students, वो किसके equal आएगी? Individually calculated तमाम rotational kinetic energies की values को हम add करेंगे. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या थी? 1 बाय 2 एम वन आर वन स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर प्लस 1 बाय 2 एम टू आर टू स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर, और लास्ट पर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 1 बाय 2 एम एन आर एन स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर. नाउ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन से हम 1 बाय 2 भी कॉमन ले सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं. तो आफ्टर टेकिंग 1 बाय 2 एंड ओमेगा स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में हम लिखेंगे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन, और लास्ट पर हम लिखेंगे mn rn होल स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर भी हमने कॉमन ले लिया है. नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम ब्रैकेट के अंदर मौजूद वैल्यूज की बात करें तो स्टूडेंट्स, क्या ये फर्स्ट कंपोनेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा? क्या m2 r2 स्क्वायर सेकंड कंपोनेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा? इट मींस दैट ये सारी की सारी वैल्यूज किसके इक्वल आएगी? टोटल ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल, जिसकी जगह हम क्या लिखेंगे? सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर, बट आई इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू एन. और स्टूडेंट्स, ये सारी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के इक्वल. तो स्टूडेंट्स, अबव एक्सप्रेशन में हम ब्रैकेट वाली वैल्यू की जगह क्या पुट करेंगे? आई पुट करेंगे, बिकॉज इट इज इक्वल टू द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम लिखेंगे 1 बाय 2 आई ओमेगा स्क्वायर. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ हुप की बात करें, नाउ स्टूडेंट्स, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला को डिराइव करने के बाद अब हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के इस फॉर्मूले की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं.
Dear students, rotational kinetic energy is put to practical use by flywheels, which are essential parts of many engines. A flywheel stores energy between the power strokes of the pistons so that the energy is distributed over the full revolution of the crankshaft and hence the rotation remains smooth. So students, आप देख सकते हैं कि किस तरह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम यूज करते हैं मैनी इंजन्स की वर्किंग के दौरान. नाउ स्टूडेंट्स, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की एप्लीकेशन को डिस्कस करने के बाद अब हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे फॉर अ डिस्क एंड फॉर अ हुब. तो सबसे पहले हम लिखेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी for disc. तो students, जैसे कि आपको मालूम है और हमने moment of inertia वाले topic में भी discuss किया था कि disc का moment of inertia किसके equal होता है students, it is equal to 1/2 mr square. तो students, अब हम इस value को इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे. तो स्टूडेंट्स, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इन दिस फॉर्मूला, तो स्टूडेंट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क किसके इक्वल आएगी, 1/2 एज इट इज. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह हम पुट करेंगे 1/2 एम आर स्क्वेयर और स्टूडेंट्स उसके साथ हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वेयर एज इट इज. तो स्टूडेंट्स 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इक्वल टू 1/4 एम आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है वी किसके इक्वल होता है, आर ओमेगा के इक्वल. तो स्टूडेंट्स वी स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर के इक्वल. तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले में हम आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर की जगह क्या पुट करेंगे, वी स्क्वेयर. तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 1/4 एम वी स्क्वेयर. दिस इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे फॉर हुप. तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स आवर सेकंड पार्ट, जिसको हम यहां पर सॉल्व कर सकते हैं for hoop, rotational kinetic energy for hoop किसके equal आएगी. तो students, rotational kinetic energy of hoop को calculate करने के लिए हमें hoop के moment of inertia का पता होना चाहिए, which is equal to mr square. इधर हम hoop भी लिख सकते हैं students, इधर हम ring भी लिख सकते हैं. तो students, similarly जिस तरह से हमने rotational kinetic energy of disc की value को calculate किया है, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे. तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ हुप इज इक्वल टू 1/2. आई की जगह हम क्या लिखेंगे, एम आर स्क्वेयर. तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 1/2 एम आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर. सिमिलरली स्टूडेंट्स, आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर की जगह क्या आएगा, वी स्क्वेयर. तो स्टूडेंट्स हुप की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आएगी, 1/2 एम वी स्क्वेयर. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम हुप और डिस्क की वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. हम कंसीडर करेंगे देयर इज एन इंक्लाइंड सरफेस. अगर उस सरफेस के टॉप पॉइंट पर एक डिस्क मौजूद हो, एक हुप और रिंग मौजूद हो, अगर हम उन दोनों को रिलीज करें टॉप पॉइंट से, तो जब वो इंक्लाइंड सरफेस के बॉटम पॉइंट पर पहुंचेंगे, तो बॉटम पर आने पर, लोअर पॉइंट पर आने पर डिस्क की स्पीड क्या होगी, हुप की स्पीड क्या होगी. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिस्क और हुप की स्पीड या फिर वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं. चैप्टर नंबर 5, टॉपिक नेम इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पार्ट 2.
नाउ स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले एक इंक्लाइंड सरफेस को इमेजिन करते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपनी हेडिंग लिखेंगे कि अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ डिस्क एंड हुप। तो स्टूडेंट्स, लेट कंसीडर एन इंक्लाइंड सरफेस और स्टूडेंट्स इंक्लाइंड सरफेस के हाईएस्ट पॉइंट पर फॉर एग्जांपल एक डिस्क मौजूद है और स्टूडेंट्स इसी इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर हम सेकंड केस बना लेते हैं जिसमें हम एक हुप को रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, देयर इज अ हुप और अ रिंग। तो स्टूडेंट्स इनिशियली डिस्क भी रेस्ट की हालत में है, हुप भी रेस्ट की हालत में है। जैसे ही इनको हम हाईएस्ट पॉइंट से रिलीज करेंगे तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ड्यू टू रोटेशनल मोशन डिस्क भी आगे की तरफ मूव करेगी, हुप भी आगे की तरफ मूव करेगी। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर हम डिस्क और हुप की मोशन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि डिस्क और हुप रोटेशनल मोशन भी कर रही हैं और ये ट्रांसलेटरी मोशन के साथ भी मूव कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स इट मींस दैट इन दोनों एग्जांपल्स में ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी मौजूद होगी ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन और ऑब्जेक्ट की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी मौजूद होगी ड्यू टू रोटेशनल मोशन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि हाईएस्ट पॉइंट पर डिस्क और हुप के अंदर कौन सी एनर्जी मौजूद है, तो स्टूडेंट्स हाईएस्ट पॉइंट पर दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मौजूद होगी विच इज इक्वल टू mgh। तो स्टूडेंट्स यहां पर भी डिस्क के अंदर हाईएस्ट पॉइंट पर कौन सी एनर्जी मौजूद होगी, mgh। नाउ स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डिस्क की बात करते हैं। फॉर डिस्क, तो स्टूडेंट्स इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन की वैल्यू को इग्नोर करें तो हाईएस्ट पॉइंट पर मौजूद पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स, टोटल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू के इक्वल। लेकिन स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी तो mgh के इक्वल है, लेकिन यहां पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड वन इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। बिकॉज स्टूडेंट्स जैसे ही डिस्क और हुप हाईएस्ट पॉइंट से रोल करते हुए रोटेशनल मोशन करते हुए बॉटम सरफेस पे पहुंचेंगे, बॉटम पॉइंट पर पहुंचेंगे, तो स्टूडेंट्स डिस्क और हुप की मोशन के टू कंपोनेंट्स होंगे। वन इज द स्ट्रेट लाइन मोशन जिसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं और सेकंड वन इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ डिस्क एंड हुप, उस मोशन को हम क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स डिस्क और हुप आगे की तरफ भी मूव कर रहे हैं और रोटेशनल मोशन भी कर रहे हैं जिसकी वजह से हम लिखेंगे द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड इंटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड वन इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। नाउ स्टूडेंट्स हम यहां पर यह भी अज्यूम करेंगे कि देयर इज नो फ्रिक्शन, ना तो सरफेस की वजह से कोई फ्रिक्शन मौजूद है और ना ही एयर फ्रिक्शन मौजूद है, तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, बट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है स्टूडेंट्स, चाहे डिस्क हो या हुप, इट विल बी इक्वल टू 1/2 mv². लेकिन स्टूडेंट्स हमने डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या कैलकुलेट की थी, इट इज इक्वल टू 1/4 mv², जो कि हम यहां पर पुट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स
अगर हम 2 और 4 का एलसीएम लें तो हमारी वैल्यू आएगी 4 2 to the 4, 2mv² से मल्टीप्लाई होगा, ये mv² एज इट इज आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स mv² प्लस mv² हम लिखेंगे 3 टाइम्स mv² डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू mgh। डियर स्टूडेंट्स, इक्वल के दोनों तरफ मौजूद सिमिलर वैल्यूज को हम कैंसिल करेंगे तो m m से कैंसिल होगा। अगर हम स्पीड ऑफ डिस्क की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स 4 जो कि इधर डिवाइड हो रहा है gh से मल्टीप्लाई होगा, और 3 जो कि v² से मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के दूसरी तरफ जाने से डिनोमिनेटर में जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ v², तो स्टूडेंट्स v की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स तो स्पीड और वेलोसिटी ऑफ डिस्क एट द बॉटम पॉइंट किसके इक्वल आएगी स्टूडेंट्स, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4gh डिवाइडेड बाय 3। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ डिस्क एट द बॉटम पॉइंट। नाउ स्टूडेंट्स, अब अगर हम वेलोसिटी और स्पीड ऑफ हुक की बात करें तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे फॉर हुक और रिंग हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। टोटल पोटेंशियल एनर्जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक किस में कन्वर्ट होगी, रूट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, mgh। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 mv². और स्टूडेंट्स, अगर हम हुप की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल है, 1/2 mv². नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम के मुताबिक 2 लिखेंगे, न्यूमरेटर एज इट इज रहेंगे, तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे mv² प्लस mv² 2 टाइम्स mv² डिवाइडेड बाय 2 एंड इट इज इक्वल टू mgh। तो स्टूडेंट्स सिमिलरली मास m से कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल होगा, तो स्टूडेंट्स v² की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, gh के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स, सिंपली v की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए वी विल टेक स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्टूडेंट्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल होगा, तो फाइनली स्पीड और वेलोसिटी ऑफ हुप एट द बॉटम पॉइंट किसके इक्वल आएगी, स्क्वेयर रूट gh के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ हुप एट द बॉटम पॉइंट। तो स्टूडेंट्स जैसे ही ये हुप बॉटम पॉइंट पे आएगी तो उसकी स्पीड किसके इक्वल होगी, स्क्वेयर रूट gh के इक्वल। सिमिलरली अगर ये डिस्क मूव करते हुए बॉटम पॉइंट पे आएगी, लोअर पॉइंट पे आएगी, सरफेस पे आएगी, तो स्टूडेंट्स इसकी स्पीड किसके इक्वल होगी, स्क्वेयर रूट 4/3 gh के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि लोअर पॉइंट पर बॉटम पॉइंट पर किसकी स्पीड ज्यादा होगी, डिस्क की स्पीड या फिर हुप की स्पीड, तो स्टूडेंट्स यहां से डायरेक्ट बताना मुश्किल है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम डिस्क और हुप की स्पीड को कंपेयर करते हैं, फिर हम देखेंगे एट द बॉटम डिस्क ज्यादा स्पीड से मूव करेगी या फिर हुप। तो स्टूडेंट्स अब हम वेलोसिटी ऑफ डिस्क को कंपेयर करेंगे वेलोसिटी ऑफ हुप के साथ। नाउ स्टूडेंट्स,
अब हम वेलोसिटी और स्पीड ऑफ डिस्क को कंपेयर करेंगे वेलोसिटी और स्पीड ऑफ हुप के साथ। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिस्क और हुप की स्पीड को कंपेयर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने डिस्क की स्पीड को कैलकुलेट किया है, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4/3 टाइम्स gh। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं 4/3 को सेपरेट करूं तो मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट 4/3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट gh। तो स्टूडेंट्स, अगर हम कैलकुलेटर की मदद से स्क्वायर रूट 4/3 की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आएगा 1.15। तो स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट वैल्यू को देखें विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट gh, तो स्टूडेंट्स क्या ये वेलोसिटी और स्पीड ऑफ हुप नहीं? तो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ हुप अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, हम यहां पर क्या लिख देंगे? इट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ हुप। तो स्टूडेंट्स, हमारा एक्सप्रेशन किसके इक्वल आएगा? स्पीड ऑफ डिस्क इज इक्वल टू 1.15 टाइम्स स्पीड ऑफ हुप। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले के मुताबिक हम ये कह सकते हैं स्पीड ऑफ डिस्क इज 1.15 टाइम्स ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ हुप, बिकॉज कि स्पीड ऑफ डिस्क की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम स्पीड ऑफ हुप की वैल्यू को 1.15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जब भी हम एक वैल्यू को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं जो कि 1 से ग्रेटर हो, तो हमारा जो आंसर आएगा वो उस वैल्यू से ज्यादा आएगा। इट मीन्स दैट अगर वेलोसिटी ऑफ हुप की वैल्यू 10 है, तो जब हम 10 को 1.15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 11.5, विच इज ग्रेटर देन 10। तो स्टूडेंट्स, रिजल्ट में हम लिखेंगे स्पीड ऑफ डिस्क इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ हुप by a factor of 1.15। Now students, आपने देखा कि किस तरह से speed of disc की value speed of hoop की निस्बत ज्यादा है by a factor 1.15। Now students, यहां तक हमारा rotational kinetic energy का topic complete होता है। Now students, अब हम chapter number 5 से related एक short quiz को discuss करते हैं। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5.6, विच स्टेट्स दैट एन अर्थ सैटेलाइट इज इन सर्कुलर ऑर्बिट एट अ डिस्टेंस ऑफ 384,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। व्हाट इज इट्स पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन इन डेज? टेक द मास ऑफ द अर्थ which is denoted by capital M and it is equal to 6×10^24 kilogram and its radius which is denoted by R is equal to 6400 kilometer। Now students, statement को अच्छे से समझने के लिए हम इसको diagram की मदद से represent करते हैं। For example students, this is the earth और earth का radius given है which is equal to R, और students R की value है 6400 kilometer। Dear students, it is also mentioned in the statement that कि satellite जमीन की surface से कितनी बुलंदी पर है। For example students, this is the satellite which is revolving around the earth and it is at a distance of 384,000 किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड स्टूडेंट्स मास ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो गिवन विच इज इक्वल टू 6×10^24 किलोग्राम एंड स्टूडेंट्स वी हैव टू कैलकुलेट द
the time period of the satellite or the time to complete one revolution in days. Now students, diagram ke baad example ko solve karne ke liye hum sabse pehle given data likhenge. As students, it is mentioned in the statement that the distance of the satellite from Earth's surface is equal to h and its value is 384,000 kilometer. Now students, it is also mentioned that the radius of the Earth is equal to capital R and its value is equal to 6400 किलोमीटर. तो स्टूडेंट्स, जमीन के सेंटर से सैटेलाइट तक टोटल डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे. तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, स्मॉल आर किसके इक्वल होता है, कैपिटल आर प्लस एच. कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड एच इज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ. तो स्टूडेंट्स टोटल डिस्टेंस जिसको हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम आर और एच को ऐड करेंगे. तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस व्हिच इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर, इट मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच. तो स्टूडेंट्स रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू है 6400 किलोमीटर प्लस हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सर्फेस की वैल्यू है 384,000 किलोमीटर. नाउ स्टूडेंट्स जब हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो टोटल फाइनल डिस्टेंस की वैल्यू किसके इक्वल आएगी स्टूडेंट्स, 390,400 के इक्वल, और यूनिट आएगा स्टूडेंट्स इन किलोमीटर. तो स्टूडेंट्स टोटल डिस्टेंस की वैल्यू क्या आई है, 390,400 किलोमीटर्स. नाउ स्टूडेंट्स मास ऑफ द अर्थ इज आल्सो गिवन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम एंड इट्स वैल्यू इज 6 × 10^24 किलोग्राम. नाउ स्टूडेंट्स डाटा को कंप्लीट करने के बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी टू फाइंड की. तो स्टूडेंट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस एग्जांपल, वी हैव टू फाइंड द टाइम फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ. तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड time period of satellite is required, क्योंकि students एक vibration को complete करने में जितना भी time required होता है हम उसको time period कहते हैं. तो इस example में हमने satellite का time period calculate करना है, means that कि हमने satellite की एक revolution का time calculate करना है जिसको हम capital T से represent करेंगे and it is missing. Now students अब हमारी next heading होगी फॉर्मूला की. तो स्टूडेंट्स टाइम पीरियड की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे. तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे टी इज इक्वल टू 2πr/v. और स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे
नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इक्वेशन नंबर वन को गौर से देखें, एनालाइज करें, तो आप देखेंगे टू इज कॉन्स्टेंट, पाई इज आल्सो कॉन्स्टेंट, वैल्यू ऑफ आर इज आल्सो गिवन, बट स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ द सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इज मिसिंग. इट मीन्स दैट इफ वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट, तो हमें वी यानी कि स्पीड की वैल्यू मालूम होना चाहिए. तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू फाइंड वी, टी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले सैटेलाइट की स्पीड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. तो टू फाइंड वी, हाउ कैन वी फाइंड द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट, तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला है वी विच इज द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट जी एम आवर आर. स्टूडेंट्स दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट. और स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर टू कह सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर टू को सॉल्व करेंगे ताकि हम स्पीड ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ कैलकुलेट कर सकें. तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन टू, जब इक्वेशन टू में हम वैल्यूज पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट. अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं स्क्वेयर रूट के अंदर है कैपिटल जी. तो स्टूडेंट्स कैपिटल जी क्या होता है, कैपिटल जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इक्वेशन टू में जी की वैल्यू पुट करेंगे विच इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10^-11 यूनिट आएगा स्टूडेंट्स न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय एम. एम इज द मास ऑफ द अर्थ. तो स्टूडेंट्स मास ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या होती है, 6 × 10^24. तो स्टूडेंट्स यूनिट क्या आएगा, किलोग्राम, डिवाइडेड बाय स्मॉल आर विच इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. और स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू है 390,400 किलोग्राम. नाउ स्टूडेंट्स, जब हम न्यूमरेटर में मौजूद वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर आएगा इन द न्यूमरेटर विच इज इक्वल टू 4.0038 × 10^14. एंड स्टूडेंट्स अगर हम डिनोमिनेटर में मौजूद वैल्यू की बात करें तो स्टूडेंट्स 390,400 किलोग्राम एज इट इज आएगा. अगर हम न्यूमरेटर में मौजूद यूनिट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ आर डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ आर विच इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सैटेलाइट एंड इट इज इक्वल टू 390,400 किलोमीटर. नाउ स्टूडेंट्स जब हम न्यूमरेटर में मौजूद दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.0038 × 10^14. और अगर हम यूनिट की बात करें स्टूडेंट्स तो जैसा कि आपको मालूम है न्यूटन किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स न्यूटन की जगह हम क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और स्टूडेंट्स न्यूटन के बाद मीटर स्क्वायर एज इट इज आएगा, पर किलोग्राम स्क्वायर भी एज इट इज आएगा। और स्टूडेंट्स मास का जो यूनिट है किलोग्राम, वो भी एज इट इज आएगा। नाउ स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय, अगर हम डिनोमिनेटर में मौजूद वैल्यू की बात करें तो स्टूडेंट्स वो क्या है, 390,400। और स्टूडेंट्स अगर हम प्रीफिक्स किलो की वैल्यू पुट करें तो हम क्या पुट करेंगे, 1000 मीटर्स, बिकॉज देयर आर 1000 मीटर्स इन 1 किलोमीटर। नाउ स्टूडेंट्स जब हम 4.0038 इंटू 10 रेस पावर 14 को 390,400 और 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, इट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 1025563.52। means that 10,25,563। और स्टूडेंट्स अगर हम यूनिट की बात करें तो स्टूडेंट्स मीटर मीटर से कैंसिल होगा, किलोग्राम किलोग्राम से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या लिखेंगे हम, किलोग्राम स्क्वायर, जो कि पर किलोग्राम स्क्वायर से कैंसिल होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारे फाइनल यूनिट्स क्या आएंगे, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स जब हम अपने आंसर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट्स ऑर्बिटल स्पीड का फाइनल आंसर क्या आएगा, आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू वी विल गेट 1012.7। तो स्टूडेंट्स मीटर का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, सेकंड का स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड। नाउ स्टूडेंट्स इस वैल्यू को किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू को 1000 से डिवाइड करेंगे। आफ्टर डिवाइडिंग बाय 1000 मीटर किसमें कन्वर्ट होगा स्टूडेंट्स, किलोमीटर में, और पर सेकंड एज इट इज रहेगा। तो स्टूडेंट्स आफ्टर डिवाइडिंग बाय 1000 ऑर्बिटल स्पीड का किलोमीटर पर सेकंड में फाइनल आंसर क्या आएगा, इट इज इक्वल टू 1.01 किलोमीटर पर सेकंड। नाउ स्टूडेंट्स अभी तक हमने ये जो सारी वर्किंग की है ये थी ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट अराउंड द अर्थ वी नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स फ्रॉम equation 1 we can write that the formula for the time period of the satellite is equal to t is equal to 2πr divided by v। now students ab hum is equation mein apni values ko put karenge, to students after putting the values in equation number 1 we can write that t is equal to 2 as it is रहेगा। पाई की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स 3.14 एंड द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 390400 किलोमीटर। और स्टूडेंट्स अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सेटेलाइट हमने क्या कैलकुलेट की है, 1.01 किलोमीटर पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स जब हम इन वैल्यूज को सोल्व करेंगे तो टाइम पीरियड का फाइनल आंसर क्या आएगा, 2427437.6। और स्टूडेंट्स अगर हम यूनिट की बात करें तो स्टूडेंट्स किलोमीटर किलोमीटर से कैंसिल होगा, पर सेकेंड जब डिनोमिनेटर से न्यूमिरेटर में शिफ्ट होगा तो टाइम पीरियड का यूनिट क्या आएगा, सेकेंड्स। लेकिन स्टूडेंट स्टेटमेंट में मैंशन था कि हमने टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन डेज, तो स्टूडेंट्स सेकंड्स को डेज में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, एज यू नो इन वन डे
there are 24 hours, and in 1 hour there are 60 minutes, and in 1 minute there are 60 seconds. So students, totally 1 day ke andar kitne seconds hue? 86400 seconds. So students, seconds ko day mein convert karne ke liye, hum apne final answer ko 86400 se divide karenge. So students, hum likhenge 2427437.6 divided by 86400. और स्टूडेंट्स हमारा यूनिट सेकंड से किस में कन्वर्ट हो चुका है, डे में. नाउ स्टूडेंट्स जब हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो टाइम पीरियड का फाइनल आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, इट इज इक्वल टू 27.5 डेज व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 28 डेज. नाउ स्टूडेंट्स ये था टाइम पीरियड का फाइनल आंसर. नाउ स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से हमने टाइम पीरियड की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू को कैलकुलेट किया, और देन हमने सैटेलाइट की 1 रेवोल्यूशन के लिए जो रिक्वायर्ड टाइम है जिसको हम टाइम पीरियड कह रहे हैं उसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया. एंड स्टूडेंट्स दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 5.6. स्टूडेंट्स आपने देखा कि आज के लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस किया. तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा. इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.